अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टोयोटा फील्डर 2015 का रिव्यू। सबसे पहले हम इस गाड़ी के फ्रंट से शुरू करते हैं। तो फ्रंट पे अब हेडलाइट्स पे आते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं एज वेल एज रिफ्लेक्टर लैम्प्स, इंडिकेटर, बाकी आप लोग देख सकते हैं इसकी हेडलाइट्स। क्रोम ग्रिल यूज़ की गई है जो यहाँ से शुरू हो रही है, ये आप लोग देख सकते हैं, और ये यहाँ तक आ रही है। बाकी आप लोग देख सकते हैं टोयोटा का एम्बलम, और फ्रंट जो हमारे पास इसकी ग्रिल मिल रही है एयर इनटेक की, वो बहुत ही बड़ी मिल रही है, खूबसूरत सा डिज़ाइन दे रही है। बाकी फॉग लाइट्स हमें इसमें नहीं मिल रही, फॉग लाइट्स की जगह दी हुई है, इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। और इसकी फ्रंट लुक कुछ ऐसी है, तो चलिए हम इसकी पे चल के देखते हैं। सबसे पहले जो नोटिसेबल बात आती है ये कि हमारे पास इसमें अलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे, व्हील कैप्स मिल रहे हैं सिंपल। हाइब्रिड की बैजिंग इसकी फेंडर पर, फेंडर भी बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने बीच में इधर से निकाला हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रहा है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल रहे हैं उसके ऊपर, इंडिकेटर्स, डोर हैंडल, बॉडी कलर्स के मिल रहे हैं, क्रोम नहीं यूज़ किया गया। बाकी आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी की साइड लुक, सन वाइजर्स मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से इंस्टॉल। बाकी आप लोग इस गाड़ी की साइड लुक देख सकते हैं, ये हमें इस गाड़ी में रूफ रेल्स मिल रही हैं जो यहाँ से शुरू बिल्कुल बैक साइड तक आती हैं। तो इस गाड़ी का साइड लुक, तो अब हम इस गाड़ी के बैक पर चल के देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स मिल रहे हैं, वाइपर मिल रही हैं, वाइपर मिल रहा है बैक, टेल लाइट्स बहुत ही खूबसूरत मिल रही है जो कि यहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ लेफ्ट साइड तक जा रही हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रही हैं टेल लाइट्स। और ये आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर, ब्रेक लैंप्स, बाकी करोला फील्डर की बैजिंग। हमें रियर बम्पर में रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं, बाकी हाइब्रिड की बैजिंग, और ये हमारे पास एक और रिफ्लेक्टर। और ये आप लोग इस गाड़ी की बैक लुक देख सकते हैं, ये एक हमारे पास इसका एंटीना मिल रहा है। बाकी आप लोग इस गाड़ी की बैक लुक देख लें। चलिए हम इस गाड़ी के अंदर जाके देखते हैं। अंदर आ चुका हूँ तो आप लोगों को इस गाड़ी का सारा इंटीरियर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके डोर से शुरू करता हूँ। तो हमारे पास जो सारी विंडोज़ हैं ऑटोमेटिक, हमें सारी विंडोज़ मिल रही हैं ऑल ऑटो, और हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग की ऑप्शन मिल रही है। और आप लोग देख सकते हैं ये इसका डोर हैंडल, आप लोगों को एसी वेंट्स दिखाता चलूँ, एक एसी वेंट इधर मिल रहा है, और ये करोला एक्सएलआई जीएलआई में जिस तरह आता है उस शेप का है। बाकी आप लोग देख सकते हैं दो इधर एसी वेंट्स मिल रहे हैं और एक एसी वेंट इधर मिल रहा है। तो अब मैं आपको बताऊँ इस गाड़ी में का जो स्टेयरिंग है वो थ्री स्पोक स्टेयरिंग है, जिसमें हमारे पास सारा एमआईडी जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने के हमारे पास ऑप्शन मिल रही है। तो हम आप लोगों को दिखाऊँ इसमें डिजिटल क्लाइमेटिक कंट्रोल मिल रहा है, ये छोटा सा हमें सेंट्रल कंसोल में इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जिसमें जीपीएस नेविगेशन दोनों मिल रही है। तो अब मैं आप लोगों को इसके स्टोरेज कंपार्टमेंट्स दिखाता चलूँ। तो हमारे पास सबसे पहले एक ये स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है, डिसेंट स्पेस है, और एक ये ग्लव बॉक्स आप लोगों को खोल के दिखाऊँ तो इधर भी अच्छी खासी स्टोरेज है, दो कप होल्डर्स इधर मिल रहे हैं और एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट ये मिल रहा है। ये हमारे पास आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट में भी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल रहा है, और डोर्स में भी एक कप होल्डर और छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल रहा है। बाकी आप लोगों को ये दिखा दिए, अब इस गाड़ी को मैं गाड़ी के मीटर को ऑन करता हूँ और ऑन करके दिखाता हूँ। मैं पुश स्टार्ट बटन नहीं मिल रहा, की इंसर्ट करते हैं और की इंसर्ट करके तो ये इस गाड़ी का ऑन कर दिया मैंने, इस गाड़ी के बैटरी मोड पे ऑन है। तो आप लोग सबसे पहले देखते चलें तो इस गाड़ी में आप लोग मीटर, आरपीएम मीटर भी मिल रहा है और मीटर भी बड़ा खूबसूरत सा मिल रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं एमआईडी, इसको यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह, अब ये सारा जैपनीज़ में लिखा हुआ है, मुझे समझ तो नहीं आ रहा लेकिन इतना समझ है, जिस तरह ये ईवी मोड, इस गाड़ी की कितनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग इस गाड़ी की कितनी है, बाकी इसके अंदर फ्यूल बिल्कुल ख़त्म है जिस तरह इंडिकेशन दे रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी में ये हमारे पास सारा इधर से कंट्रोल होता है। तो इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम ये मिल रहा है, इसमें जीपीएस नेविगेशन दोनों मिल रही है, हैजर्ड्स,
अच्छा जी, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, और जो इसकी मैंने ऑन किया हुआ है, तो एसी तो अभी ऑन नहीं करूँगा, सर्दी है। इसकी हीटर की जो थ्रो है वो भी काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव थ्रो है, और बहुत अच्छी हीट दे रहे हैं हमें इस गाड़ी की। और बाकी आप लोग इसका गाड़ी का फ्रंट लुक देख सकते हैं। तो इस गाड़ी में आप लोगों को बताता चलूँ, वैनिटेरी मिरर नहीं मिल रहे पैसेंजर ड्राइवर साइड पर नहीं मिल रही, और पैसेंजर साइड पर भी हमें इसमें वैनिटेरी मिरर नहीं मिल रहे। बाकी इसका ये बैक व्यू मिरर, रेन सेंसर्स, और ये फ्रंट लुक है। तो अब हम इस गाड़ी की ज़रा सी आर्म इस लेग रूम स्पेस के बारे में बात करें, तो इस गाड़ी की मैंने फ्रंट सीट बिल्कुल आगे की हुई है, और फ्रंट सीट बिल्कुल आगे जैसे कि हो गई है तो अनकंफर्टेबल हो गई हूँ मैं। बाकी हेडरूम स्पेस भी बहुत अच्छी है, और इस गाड़ी की फुल पीछे करता हूँ, फुल पीछे की है तो बहुत ही कम्फर्टेबली होकर बैठ गई हूँ। तो ये तो इसकी फ्रंट देख ली, फ्रंट लुक वगैरह देख ली। तो अब इस गाड़ी के बैक साइड पर चलते हैं, और बैक साइड के हेडरूम लेग रूम और बैक साइड पर देखते हैं सीट्स कैसी मिल रही हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ जो बताना भूल गया, उसमें ये 12 वॉट का डॉक मिल रहा है हमें। तो चलिए हम इस गाड़ी के बैक साइड पे चल के देखते हैं, ऑफ़ कर देते हैं इस गाड़ी को। इस गाड़ी की बैक सीट पे आ चुका हूँ, तो इस गाड़ी के बैक सीट्स देखते हैं, और इस बैक से देखते हैं क्या क्या हमें इसमें फीचर्स मिल रही है बैक पर। तो हमारे पास सबसे पहले एक ये हैंडल, इसके डोर दिखाता चलूँ, डोर हैंडल, और हमारे पास विंडो चारों साइड की ऑटोमेटिक मिल रही है जैसे कि मैंने बताया। स्पीकर मिल रहे हैं, कप होल्डर, छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट, और ये दिखाता चलूँ तो सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट्स मिल रही हैं, ये SRS, एक कर्टन एयरबैग, इसमें 6 एयरबैग्स मिल रही है, मैं आपको बताना भूल गया। एक इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है, दो फ्रंट पिलर्स पे मिल रहे हैं, और दो जो हमारे पास है एक डैशबोर्ड में और एक स्टेयरिंग में मिल रहा है। तो सेफ्टी वाइज भी इस गाड़ी की बहुत अच्छी सेफ्टी फीचर्स मिल रही हैं। तो मैं आप लोगों को चलूँ इस गाड़ी की ये लाइट, और आप लोगों को दिखाऊं तो एक आर्म रेस्ट भी मिल रहा है इस गाड़ी में बैक सीट्स के लिए, और इस गाड़ी में 3 बंदे पीछे वाली सीट पे इजीली बैठ सकते हैं। और आप लोग देख लें बाकी इस गाड़ी का बैक लुक। अब मैं इस गाड़ी की लेग रूम स्पेस के बारे में बात करूं, तो ये सीट जैसा कि बिल्कुल आगे हुई है, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत ईजीली बहुत आराम से कम्फर्टेबल होकर ना बैठ सकता हूँ इस गाड़ी में पाँव फैला के, क्योंकि लेकिन फ्रंट वाला ड्राइवर जो है वो तंग हो जाएगा, इस वजह से इस गाड़ी की जो सीट है वो नॉर्मल पे रहे, जिस तरह अब बिल्कुल पीछे है फ्रंट वाला भी कंफर्टेबल रहेगा और बैक वाला भी। इसकी लेग रूम स्पेस में मुझे कोई इशू नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें लेग रूम स्पेस में कोई मुझे नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत अच्छा इसका लेग रूम स्पेस दिया गया। तो ये हमने इस गाड़ी का इंटीरियर देख लिया, तो अब हम इस गाड़ी के बूट स्पेस जाके देखते हैं कितनी ज़्यादा मिल रही है। हम इस गाड़ी की बूट ओपन करके देखते हैं इस गाड़ी में बूट स्पेस कितनी मिल रही है, तो ऑब्वियसली इस गाड़ी की बूट स्पेस ज़्यादा होगी क्योंकि एक स्टेशन वैगन है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें बूट स्पेस मिल रही है। आप लोगों को दिखाता चलूँ कि हमारे पास एक इसमें लाइट मिल रही है, और ये हमारे पास एक नॉब मिल रहा है जिसपे हम चीज़ें हैंग कर सकते हैं, और मैक्सिमम 4 kg तक हम डाल सकते हैं लिखा हुआ है। बाकी आप लोग इसकी बूट स्पेस देख लें, और ये हमारे पास बीच में मिल रहा है, इसको हम ऊपर कर देंगे तो और भी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। और स्पेस चाहिए अगर आप लोगों को तो ये दोनों सीटें आगे हो जाती हैं, और स्पेस बढ़ानी है और आप लोगों को कुछ चीज़ें रखनी है तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम मैं आपको दिखाऊँ इस गाड़ी में, ये हमारे पास इसका स्टेपनी वगैरह की ये टूल किट मिल रही है, और चलिए हम इस गाड़ी के बोनट को ओपन करके देखते हैं फ्रंट से। इस गाड़ी में हमें हाइड्रोलिक्स नहीं मिल रहे, हम इसको इधर लगा देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लिया, तो ये हमारे पास सारी हाइब्रिड जो इसकी किट मिल रही है, मोटर्स वगैरह का सिस्टम, और ये आप लोग देख सकते हैं इसका इंजन। तो इसमें गाड़ी में 1500 cc का इंजन मिल रहा है। इस गाड़ी की आप लोगों को सारी वीडियो के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी ये गाड़ी कितनी हॉर्स पावर देती है, और बाकी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं इसका इंजन। तो मैं आपको इस गाड़ी की अगर प्राइस बता दूँ, तो इस गाड़ी की प्राइस जो पाकिस्तान में मिल रही है वो है 24,50,000, और ये गाड़ी 2015 मॉडल है। तो ये था आज का मेरा रिव्यू, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये रिव्यू आज का टोयोटा फील्डर का अच्छा लगा होगा, सिर्फ पॉसिबल हो सके शालीमार मोटर्स की तरफ से। तो अब बिग थैंक्स टू शालीमार मोटर्स, और अगर आप लोगों को कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप लोग इधर आ सकते हैं। शालीमार मोटर्स के आप लोगों को तमाम डिटेल मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।